नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी सी नेट काउंसलिंग 2023 राउंड वन की। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका अलॉटमेंट लेटर जारी हो चुका है, आप सभी लोगों ने कॉलेज देख लिया है राउंड वन के बाद। अब सवाल ये उठता है आप सभी का कि किसके जब्त हो जाएंगे 5,000 रुपये और किसे वापस मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। ये जो सवाल है कब और कैसे, तो आइए इन्हीं टॉपिक्स पर बात करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। देख लीजिए, काउंसलिंग के सभी राउंड पूरे होने के बाद प्रवेश पाने वाले उम्मीदवार और वह उम्मीदवार जो कोई भी सीट आवंटित नहीं की गई, जिन्हें बैंक को काउंसलिंग सुरक्षा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। तो बैंक को, कौन सी बैंक को, आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार द्वारा खाता विवरण पहले ही प्रदान किया जा चुका है, यानी दोनों लोगों को दिया जाएगा जिन्हें सीट अलॉट हो गई है। देखिए, प्रवेश पाने वाले यानी जिन्हें सीट मिल गई है उन्हें भी, और जिन्हें सीट नहीं मिलेगी यानी जिन्हें सीट नहीं मिली, दोनों लोगों को जो है 5,000 रुपये उनके द्वारा भरे गए आवेदन में, आवेदन पत्र में भरे गए खाते में वापस किया जाएगा। कब? जब सभी राउंड पूरे हो जाएंगे, यानी मॉप अप राउंड जब पूरा हो जाएगा तब ये पैसा 5,000 रुपये आपका वापस कर दिया जाएगा। लेकिन यदि कहीं पर भी आपको एक कॉलेज अलॉट हो गया और आपने वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं की, आपने एडमिशन नहीं ली, तो ये पैसा आपका जब्त हो जाएगा। कि यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है पॉइंट नंबर 5, किसे रिफ़ंड किया जाएगा, जिसका हिंदी वर्जन हमने आपको दिखा दिया है, आप देख सकते हैं। आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ ऑल राउंड्स ऑफ द काउंसलिंग द एडमिटेड कैंडिडेट, यानी जिन्होंने एडमिशन ले लिया, एंड दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट अलॉटेड यानी जिन्हें सीट अलॉट नहीं किया गया, उन्हें रिफ़ंड कर दिया जाएगा सिक्योरिटी मनी 5,000 रुपीज़ टू द बैंक अकाउंट डिटेल्ड ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाई द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म फिल्डिंग। तो यानी जब आपने फिल किया था तब जो आपने अकाउंट नंबर दिया था उसी समय ये, उसी में ये पैसा 5,000 रुपये आपका वापस कर दिया जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर इसका दूसरे का हिंदी वर्जन, सीट आवंटन के बाद निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर आवंटन की पुष्टि करने और विकल्प का चयन करने में विफलता, अनुसूची के अनुसार आवंटित सीट और सुरक्षा सीट शुल्क 5,000 रुपये जब्त कर लिया जाएगा। यानी अब जिसे कॉलेज अलॉट हो गया है, जिसने कॉलेज देख लिया कि अब ये कॉलेज हमें मिल गया है, उसे अब अगर वो आगे की प्रक्रिया संपन्न नहीं करता, यानी 40,000 रुपया जमा करते हुए वो कॉलेज में जाकर आगे की फ़ीस और एडमिशन नहीं लेता, तो उसकी ये 5,000 रुपये जब्त कर ली जाएगी। क्लियर समझ गए होंगे। और अगर उसे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो सारे राउंड जब ख़त्म हो जाएंगे तब जाकर उसे वापस कर दिया जाएगा उसके बैंक अकाउंट में, चाहे जिसे कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। तो उन दोनों लोगों को ये 5,000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। तो ये क्लियर है, कब क्लियर है आप समझ लीजिए। तो मॉप अप राउंड आपका जो ख़त्म होता है वो ख़त्म होता है जो है 7 अगस्त को, आप देख लीजिए, यानी 7 अगस्त को जब ये मॉप अप राउंड ख़त्म होगा उसके बाद ही ये पैसा वापस होगा। यानी आपको अभी इतना समय और लगेगा इस पैसे को पाने में, 7 अगस्त के बाद आप सोचिए कि ये पैसा वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि मॉप अप राउंड 7 अगस्त को ख़त्म हो रहा है, तो उसी के बाद आपके अकाउंट में पैसा आना शुरू होगा ये 5,000 रुपये। तो क्लियर है। अब 40,000 रुपये वही लोग जमा करें जिन्हें आगे चाहिए, नहीं तो इतने की गम खाएं। तो क्लियर है आपको, आप कैसे अपग्रेड करेंगे, क्या करेंगे, 40,000 रुपये कैसे जमा करेंगे, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय।